सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल के बटन को दबाइए और आने वाले इंटरेस्टिंग न्यूज के मजे पाइए। रिलायंस जियो का यूजर डेटाबेस कथित तौर पर लीक हो गया। एक थर्ड पार्टी वेबसाइट पर रिलायंस जियो का नंबर दर्ज करने पर उससे जुड़ी जानकारी सामने आने लगी। रिलायंस जियो के 100 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं और डेटा लीक के बाद करोड़ों कस्टमर्स पर खतरा बना हुआ है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक कस्टमर्स के डिटेल्स लीक हुए हैं। मैजिका पी के नाम की एक वेबसाइट पर जियो के कस्टमर्स डेटा लीक हुए हैं। इस वेबसाइट पर क्लिक करने से यहां एक ऑप्शन दिया गया जिसमें जियो नंबर डालने के लिए कहा गया। जियो नंबर एंटर करते ही इसमें उस सिम से जुड़ी जानकारियां आसानी से सामने आ गईं। लीक हुई जानकारियों में कस्टमर का पूरा नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सकल आईडी, सिम एक्टिवेशन टाइम और डेट सहित आधार नंबर भी शामिल हैं। यह वेबसाइट भारत की ही है और फिलहाल यह साफ नहीं है कि इसे रिलायंस जियो अपने कस्टमर्स डेटाबेस के लिए यूज करती थी या नहीं। ऐसा कई घंटों तक चलता रहा जिसके बाद उस वेबसाइट को सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि रिलायंस जियो की तरफ से बयान आया है कि उस वेबसाइट की कोई प्रमाणिकता नहीं है और ये गलत है। कंपनी ने कहा कि इस मामले की जांच की जाएगी। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।